के जेसीआई क्लब द्वारा की गई जूल्स होटल में आज लोहड़ी सेलिब्रेशन के, जैसा कि आप यहाँ पर ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो यहाँ पर हैं जेसीआई क्लब की, वो किस तरह से आज यहाँ पर सज धज कर लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आज पहुंचे हैं, जहाँ पूरे देश भर में लोहड़ी काफी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, चाहे वो डीजे के साथ मनाई जाए, ढोल के साथ मनाई जाए, या अच्छे से आग जलाकर जिस तरह से मूंगफली रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाकर मनाई जाती है, वही सब अच्छे तरीके से आज यहाँ पर जेसीआई क्लब द्वारा जो महिलाएं हैं उन्होंने भी बहुत ही धूमधाम से आज यहाँ पर लोहड़ी का पर्व मनाया। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आज आप लोगों ने लोहड़ी यहाँ पर सेलिब्रेट किया कैसा? मैं विशाली गुप्ता, विशाली क्वात्रा बोल रही हूँ, जेसीआई की तरफ से लोहड़ी की शुभकामनाएं सबको। और हम लोग बड़े शौक से और खुश होकर ये लोहड़ी मना रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, और लोहड़ी हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है, हम सभी खुश होकर मनाते हैं। और सभी अब आजकल, तो पहले पंजाबी लोग मनाते थे, अब सभी मनाते हैं। थैंक यू जी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, धूमधाम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोहड़ी सेलिब्रेट की गई, क्या कुछ? आई एम हर्षा ढिंगरा फ्रॉम जेसीआई करनाल। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है हम इतने आगे पहुँच गए हैं, जहाँ पहले बॉयज़ की ही फर्स्ट लोहड़ी मनाई जाती थी, अब गर्ल्स की भी फर्स्ट लोहड़ी मनाई जाती है। और लोहड़ी इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि लोहड़ी एंड आफ्टर दैट मकर संक्रांत, जो हमारे इंडियंस के लिए एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरह होता है, और हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया। और मैं यही विश करती हूँ कि सभी का नया साल बहुत अच्छा आए और सभी बहुत अच्छे से रहें। थैंक यू जी। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपने? मैं जैसे ही पूनम जिंदल, मैं करनाल वासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, सभी महिलाओं ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से लोहड़ी का पर्व जो है मनाया। तो हम महिलाओं से एक बार दोबारा से पूछना चाहेंगे, मैम कोई लोक गीत लोहड़ी का ऐसा जो आप गाना चाहेंगे? सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्हा पट्टी वाला हो, दुल्हे दी भी आई हो, छे शक्कर पाई हो, कुड़ी दा दालू पका हो, सानू कौन से मेटे बल्ले 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 हो।
आज हम मौजूद है करनाल में स्थित ज्वेल्स होटल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश भर में लोहड़ी का जो उत्सव है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, वैसे ही आज यहाँ पर आप जैसे कि आप लाइव देख सकते हैं कि यहाँ लेडीज द्वारा एक लोहड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत ही सज धज के, बहुत ही उत्साह के साथ सभी लेडीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम करेंगे उनसे बातचीत की क्या महत्व क्या होता है लोहड़ी को और कैसे आज उन्होंने अपनी लोहड़ी को सेलिब्रेट किया। तो मैम हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि क्या महत्व क्या होता है लोहड़ी का, हम लोहड़ी सेलिब्रेट क्यों करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार हम पंजाबियों का त्यौहार ही नहीं रह गया, ये सारे मतलब कि करनाल वासियों का भी त्यौहार है और भी दूसरी कंट्री का भी त्यौहार मन गया, अब उसको बड़े ही खुशियों से मनाया जाता है। अब तो लोहड़ी पहले तो लड़कों की मनाई जाती थी, अब तो लड़कियों की मनाई जाती है। तिल मूंगफली गुड़ रोड़ी, तिल गुड़फली गुड़ रोड़ी, रबार साड़ी तियां पुत्तां दी मनाओ लोहड़ी, रबार साड़ी तियां पुत्तां दी मनाओ लोहड़ी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आप लोग जैसे अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, आप आज आपने क्या कुछ खास किया अपनी इस लोहड़ी को सेलिब्रेट करने के लिए। पहले तो मैं जयश्री प्रीति गुप्ता सभी करनाल वासियों को अपने जेसीआई क्लब की तरफ से नववर्ष और लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हम हमेशा की तरह अब की बार भी लोहड़ी को काफ़ी पूरे इंजॉय से सभी लेडीज़ मिलकर सेलिब्रेट कर रही हैं और खुशियों का त्यौहार है। बहुत अच्छा लगता है कि सभी इकट्ठे मिलके मिलजुल के हम भी कुछ अपने लिए करें, गिद्दा डालें, ढोल पे डांस करें, बोलियाँ लोहड़ी भी मांगे साथ। मैम आप क्या कुछ हमारे करनाल के व्यूअर्स को इस लोहड़ी के दिन पे क्या कुछ खास कहना चाहेंगी। मैं जैसी आशा गोयल सबसे पहले तो सब करनाल वासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देती हूँ। और जैसा कि वैसे तो करनाल में हर त्यौहार जो भी हम लोग मनाते हैं खुशियों का त्यौहार है, तो हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी त्यौहार हैं सबको प्रेम और आपसी सौहार्द से मनाएं। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि हमारी लेडीज़ ने बताया कि किस तरीके से वो गिद्दा पाके और बोली पाके लोहड़ी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, इसी के साथ जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफलियों की बहार, थोड़ी सी दोस्ती और थोड़ा सा प्यार, आप सभी को करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।